नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अयोध्या में राष्ट्रीय स्वसेवक संघ आरएसएस का 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक अभ्यास वर्ग सोमवार से अयोध्या के कारसेवकपुरम में शुरू हो गया है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को अयोध्या पहुंचेंगे और 3 दिनों तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार ये आयोजन हर 5वें वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवकों को राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने और स्वदेशी को बढ़ावा देने के साथ साथ ऐसे अन्य मुद्दों को जनता के बीच अवगत कराया जाता है। लंबे समय के बाद इसका आयोजन नागपुर के बाहर किया जा रहा है। आरएसएस महासचिव दत्ताश्रेय हसपोले, वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी और 45 प्रांतीय इकाइयों के अन्य पदाधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं। उनमें से ज्यादातर पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं और कार सेवकपुरम में रह रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से आरएसएस के करीब 500 स्वयंसेवक भी शामिल हो रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता है कि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, जो आरएसएस के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला है। तो आरएसएस का 5 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। कल अयोध्या पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आप बता दें कि हर 5 साल पे ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाता है और कई सालों बाद नागपुर के बाहर इस कार्यक्रम को रखा गया है अयोध्या में। यूपी पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यूपी में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पुरजोर तरीके से चल रहा है, तो लोगों को साधने में आसानी होगी, यानी कि पूरी तरीके से राजनीतिकरण इस दिवसीय कार्यक्रम का किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 9 लाख दिए जलाने का फैसला किया है, जबकि भाजपा सरकार के लाभार्थियों के घरों में अतिरिक्त 45 लाख दिए जलाए जाएंगे। राज्य सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इस साल अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, पर अब दियों की संख्या बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। बता दें कि दीपोत्सव समारोह दिवाली की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है, जो इस साल 3 नवंबर को होने वाला है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरी हिस्सों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अनुमानित 9 लाख लाभार्थी हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार दीपोत्सव के दौरान उनमें से प्रत्येक के लिए 1 दिया जलाएगी। जहां ये 9 लाख मिट्टी के दिए शहरी उत्तर प्रदेश में लोगों के गृहिणी समारोह का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वही राज्य सरकार राज्य भर में 45 लाख लोगों के घरों में भी मिट्टी के दिए जलाएगी, जिन्हें आवास योजना के तहत घर मिला है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ यात्रा के कुछ दिनों बाद उठाया गया, जहाँ उन्होंने ये देखने की इच्छा व्यक्त की कि अयोध्या के साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर भी स्थानीय कुम्हारों द्वारा तैयार मिट्टी के दियों से जगमगाएंगे। तो इससे जहां एक तरफ पूरा उत्तर प्रदेश रोशन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक रिकॉर्ड भी कायम होगा। तीसरी बात यह है कि जो कुम्हार हैं, जिनके पास रोजगार सालों साल नहीं होते, उनको भी इससे बहुत बड़ा रोजगार मिलने जाएगा। जहाँ 7.5 लाख दिए जलने थे, अब 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे और एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। तो अयोध्या का दीपोत्सव एक बार फिर से रोशन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है, उनके घरों पर भी राज्य सरकार दिए जलवाएगी। यानी कि 45 लाख दिए तो वैसे ही जलेंगे, 9 लाख दिए दीपोत्सव के दौरान जलाए ही जाएंगे। हर साल विश्व रिकॉर्ड बनता है, अयोध्या राम नगरी पूरी रोशनी में होती हुई नजर आती है। नजारा बेहद ही अद्भुत अलौकिक होता है। ये तस्वीरें पिछले दीपोत्सव के हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें थी और एक बार फिर से ऐसी खूबसूरत तस्वीरें, ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा आपको 3 नवंबर को देखने के लिए अयोध्या में मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जहां 7.5 लाख दिए दीपोत्सव में जलाए जाने थे, अब इसकी संख्या बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। एक तरफ विश्व रिकॉर्ड बनेगा, दूसरी तरफ उन कुम्हारों को रोजगार मिलेगा जो कुम्हार पूरे साल दीपावली का इंतजार करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए।
बिल्कुल ठीक कहा काजोल, क्योंकि काफी टाइम से इंतजार होता है दीपावली का, क्योंकि ये एक प्रकाश उत्सव जरूर होता है लेकिन इसके साथ साथ एक रोजगार जरूर मिलता है। पिछले साल की मैं बात बता दूं, योगी सरकार में लगभग 3 लाख के करीब दिए जलाए गए थे और इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, यानी कि 9 लाख के करीब दिए जलाएंगे। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो कुम्हार को मिलेगा, यानी कि जो दिए तैयार किए जाएंगे उसमें एक रंग का कार्यक्रम अलग किया जाएगा, दिए बनाए अलग जाएंगे, तो कुल मिला के कहा जा सकता है रोजगार जरूर दिया गया है, वो भी कम समय में। अब दीपावली जब करीब आ रहा है तो ऐसे में कम बजट में वो रोजगार मिल जाना तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर है, और इसके साथ ही साथ वो एक माहौल अलग होगा, वो नजारा अलग होगा, देखने लायक होगा जब दिए से पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ वहाँ की जो जनता है वो भी बहुत खुश है कि कहीं ना कहीं एक मौका जरूर दिया गया है रोजगार देने के लिए। बिल्कुल रूबी, देखिए पिछले साल तो कोरोना काल था तो ऐसे में लाइव हमने देखा था, हम वहां पर नहीं जा सकते थे, आम जनता वहां पर नहीं जा सकती थी। क्या इस बार कोई व्यवस्था है कि आम जनता खुद वहां रहकर इन दीपोत्सव का दीदार कर सके, इस राममयी नगरी का दीदार कर सके? देखिए काजल, इस बार काफी खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल में ध्यान रखते हुए कोरोना का खास तौर से इंतजाम रहेगा, क्योंकि अभी भी शुरुआत हो गई थी दशहरे की अगर हम बात कर रहे हैं, फिर रामलीला यहाँ पे चला था, उन सभी जगहों पे भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया था कोरोना का। इसके साथ ही साथ अब ये भी बताया जा रहा है दीपावली को लेकर भी खास ध्यान रखा जाएगा, और वहाँ जो अयोध्या है उसके लिए खास इंतजाम ये किया गया है कि जब भी रामनगरी में ऐसे प्रकाश उत्सव होते हैं तो अलग से दिया की व्यवस्था की गई है, जो घाट है वहाँ पे अलग इंतजाम किया गया है, यानी कि जो एक मास्क सैनिटाइजर इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। तो यानी कि इस बार कहा जा सकता है रामलला भूमि में आप दीदार कर सकते हैं दिया के जरिए, अयोध्या नगरी एक अलग देखने लायक होगा, यानी चकमकाहट एक अलग होगी देखने लायक। बिल्कुल रूबी, और इस बार की जो दीपोत्सव होने जा रही है अयोध्या नगरी में वो सियासत से भरी भी हो सकती है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि 5 साल होते होते भी, 5 साल का जो आखिरी दिन होगा उस तक भी हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जनता के मन में फिर से वो प्रेम भावना जागे राम भक्तों के लिए भी, और साथ ही साथ जो आम जनता है उसके लिए भी। काजल देखिए, सबसे पहली बार बता दूं कि जब योगी सरकार बनी थी उसका मेन मुद्दा यही था अयोध्या रामलला, यानी कि अब रामलला को सजावट करने के लिए अब 2022 की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, और ऐसे में जनता ही क्यों ना हो, या ये भी बोल सकते हैं लास्ट मौका मिला है जनता को रिझाने के लिए, तो कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अयोध्या को बिल्कुल फुल तरीके से सजाया ना जाए। अब जरिया चाहे दीपोत्सव हो, या ये भी बोल सकते हैं कि अयोध्या के नगरी को यानी कि रामलला भूमि को सजाने के लिए उसके पास ये आखिरी मौका होगा, और ऐसा बिल्कुल रूबी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है तो ऐसे में एक खास मैसेज प्रदेश की जनता के नाम? देखिए काजल, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे, हालांकि कयास यही लगाया जा रहा था कि ये लास्ट उत्सव होगा यहाँ का, यानी कि बीजेपी का, खासतौर से विधानसभा को देखते हुए, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हाँ ये जरूर बताया गया है कि बीजेपी के जितने भी आला अधिकारी होंगे, बीजेपी के जितने भी नेता होंगे, मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे, और इसके साथ ही साथ अयोध्या नगरी को अलग तरीके से सजाया जाएगा, यानी कि घाट से लेके सड़क से लेके रामलला मंदिर तक लेकर सब जगह दियों से बिल्कुल पाट दिया जाएगा, और जनता के लिए खास इंतजाम किया जाएगा, यानी कि मालाओं से पूरी तरीके रास्ते सजाए जाएंगे, तो कुल मिला के कहा जा सकता है एक अलग नजारा होगा, देखने लायक होगा अयोध्या का जब दिवाली करीब आएगी। बिल्कुल रूबी, देखिए जब भी उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दीपोत्सव में हर बार अयोध्या के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के जो कुम्हार हैं उन परिवारों को ऑर्डर दिया जाता है कि वो दिए जल्द से जल्द तैयार करें। क्या इस बार बाहर के जो ज़िले हैं, दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पर भी ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, समय कम है, क्या इतनी तेज़ी से इतने सारे दियों का निर्माण हो पाएगा? आप तो फील्ड पर रहती हैं, क्या कुछ ऐसी जानकारी है, क्या आप परिवार से आपकी बात हो पाई है जो कुम्हार परिवार हैं? काजल देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, समय बहुत कम बचा हुआ है और संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, ये बात सही है बिल्कुल, कि यहाँ से जो आसपास के जिले लगते हैं उन सभी के कुम्हारों से कहा गया है कि आप लोग इतने संख्या में आपको दिए तैयार करके देने हैं और उसके बदले में आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या जुटाने की कवायद रहेगी, और उसके साथ ही साथ
कुछ लोगों से बातचीत भी हुई थी, तो उसका भी ये कहना है कि बहुत जल्द यानी कि परिवारों के साथ मिलके इन संख्याओं को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। 4 तारीख नजदीक आ रहा है और ऐसे में संख्या जो है वो उसको देखते हुए परिवार के सारे लोगों को मिला के हम इन दीयों को तैयार करवाएंगे। तो ये कहा जा सकता है आसपास के जितने भी जिले हैं उनको भी लिया गया, शामिल किया गया, और उन जिलों के अंदर जो कुम्हार आते हैं वो अपने परिवारों को साथ मिला के उन दीयों को अंजाम देंगे, यानी कि जल्द से जल्द तैयार करेंगे। दिया अलग बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो उसमें रंग रोगन किया जाएगा वो एक अलग बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कामों को बांट जरूर दिया गया जिससे जल्द से जल्द इस दिए की तैयारी हो सके और भव्य जो मंदिर है उसको सजाया जा सके। बिल्कुल, कौन कौन खास मेहमान हो सकते हैं रूबी, क्योंकि अब तो पूरा फैसला ले लिया गया है कि 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे दीपोत्सव में, लिस्ट भी तैयार जल्द हो सकती है? बिल्कुल, अभी तक में जो सूचना है मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम होंगे, के साथ ही साथ मंत्री जितने होंगे वो भी वहां पे मौजूद होंगे, क्योंकि ये 2022 का इनका ये कह सकते हैं दिवाली, ये लास्ट दिवाली होगी और ऐसे में सारे लोगों का पहुंचना ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के जितने भी मंत्री विधायक होंगे सारे लोग पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तैयारी पुरजोर से हो चुकी है और ऐसे में अयोध्या में अभी से ही तैयारियों को लेकर खास बैठकें की जा रही है। इसके साथ ही साथ अयोध्या के जितने भी एसपी और डीएम है उन लोगों ने आपस में बैठक शुरू कर चुके हैं कि इस बात को लेकर जब दिवाली करीब आएगी तो ऐसे में कहीं से कोई झुक ना हो जाए, क्योंकि सीएम खुद पहुंचेंगे। तो ऐसे में समय कम होने की वजह से पूरी बागडोर अपने हाथ में ले रखे हुए हैं एसपी हो या डीएम हो, और तैयारियां जो है वो खुद निगरानी कर रहे हैं लगातार, और कुम्हारों के साथ भी उन्होंने एक बैठक करी थी कि जल्द से जल्द ये तैयार हो और उन घाटों पे पहुंचाया जाए जहां पे इन घाट पे जलाया जाएगा। बिल्कुल रूपी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या के दीपोत्सव पर 9 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सरकार द्वारा बैठकों का दौर भी जारी है। पहले ये फैसला लिया गया था कि 7.5 से ज्यादा जो दिए हैं, 7.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि करीब करीब 9 लाख दिए जो हैं वो जलाए जाएंगे, यानी कि इस बार अयोध्या जो है वो 9 लाख दियों की रोशनी से जगमगाती हुई नजर आएगी। अयोध्या नगरी, राम नगरी रोशनी से परिपूर्ण नजर आएगी। वही आगरा में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां 2 तेज रफ्तार ट्रकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। थाना शमशाबाद क्षेत्र के धीमश्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा की तस्वीरें, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, 2 ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि इस पूरे हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, मामूली चोटें ड्राइवर को आई है, लेकिन जो दूसरे ट्रक का ड्राइवर था वो मौके से फरार बताया जा रहा है। तो आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था जो कि अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक से टकरा गया। ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आगरा में मूसलाधार बारिश के बीच एक किसान के घर पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने की इस घटना में एक महिला और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं प्राकृतिक आपदा को लेकर परिजनों ने परिवार को हुए नुकसान और इलाज के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव जवाहरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में किसान के घर पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला और 2 बच्चियां हैं जो घायल हो गई हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जिसके बाद प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि आगरा में बीते 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता का काफ़ी नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा के चलते आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और 2 बच्चियां घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। आज
सुतारी ग्राम पंचायत के उपगांव पुराजवार शाहीपुरा तवरिया के पास हमारे गांव के बदन सिंह वर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। रात में तेज बारिश आकाशीय बिजली के कारण उनकी पत्नी गुड्डी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, साथ में दो बच्चियां हैं कुंती देवी और चांदनी, जिनके ऊपर काफ़ी टीन सेट के पत्थर और वो गिरे जिससे उनके सर में गंभीर चोट आई है और हम लोग प्रशासन से मदद चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता दिलाई जाए। अभी मौके पर पुलिस प्रशासन या कोई प्रशासन अधिकारी पहुंचे यहाँ? सूचना कर दी गई है, उम्मीद है जल्दी पुलिस और प्रशासन यहाँ पहुंच जाएगा। बस्ती में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक दंपति रात में घर में सो रहे थे तभी बारिश के चलते मकान की कच्ची दीवार गिरने से यह हादसा हो गया। हादसे में पत्नी की मलबे में दबने से मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले में ग्रामीणों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया जहाँ युवक का इलाज चल रहा है। हरैया थाना क्षेत्र के लबदहिया गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिरने से यह हादसा हो गया जहां पर एक महिला की मौत हो गई है, युवक गंभीर रूप से घायल है। अमेठी में आवारा पशुओं का कहर लगातार जारी है जहां बीती रात एक आवारा सांड ने अधेड़ पर हमला कर दिया जिससे अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि आवारा सांड अभी तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है जिसके चलते ग्रामीणों के बीच में आवारा सांड की दहशत बनी हुई है। मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जामो थाना क्षेत्र के पूरे छबिलाल पांडे डीगा गोपालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मीठी की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर आवारा सांड ने अधेड़ पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आवारा पशुओं की वजह से लगातार ग्रामीण दहशत में हैं। उनका कहना है कि आवारा सांड अब तक करीब 12 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। बलरामपुर में तराई के पिछले जिले को मेडिकल के क्षेत्र में फार्मेसी कॉलेज की बड़ी सौगात मिली है। डॉक्टर ए के पांडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। इस दौरान अयोध्या सांसद ने कहा फार्मेसी कॉलेज जिले के मेडिकल छात्रों के लिए वरदान बनेगा। इसके साथ ही फार्मेसी कॉलेज खुलने से जिले के छात्रों अभिभावकों को सहूलियत मिलेगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में राजधानी सहित जिले के तमाम राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सदर विकास खंड के लाल नगर गाँव में स्थित है फार्मेसी कॉलेज जिससे अब काफी ज्यादा छात्रों को और अभिभावकों को लाभ मिलने जा रहा है। सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया है। देखिए जिस प्रकार से एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, बहुत सारे वांट भी निकाल रखा, पारदर्शी भर्ती हुई, साथ ही साथ जितने हमारे पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, जितने भी स्थान ऐसे हैं जिनका पर्यटन की दृष्टि से विकास करना आवश्यक है, पूरे उत्तर प्रदेश में मथुरा हो, काशी हो, प्रयाग हो, नैमिषारण्य हो, जो भी स्थान ऐसे हैं तुलसीपुर हो, उन सारे स्थलों का विकास अयोध्या हो। हमारा जो क्षेत्र है जनपद बलरामपुर, ये एक महत्वाकांक्षी जनपद है और हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव सबसे ज़्यादा कम है, तो इस विद्यालय के माध्यम से बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समाज की सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अमेठी में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बाजार ही दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। वहीं अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई है, लाठी डंडे चले हैं, इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों पक्षों को थाने ले आई है। तो मारपिटाई का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बलरामपुर में रविवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने एक बार फिर किसानों की कमर तोड़ दी है। बता दें कि तेज हवाओं और भारी बारिश से एक ओर धान की फसल को भारी नुकसान हुआ तो वहीं गन्ने की फसल भी गिर गई है। इसके साथ ही बारिश के चलते तिलहनी और दलहनी फसलों की बुआई भी प्रभावित हो रही है। किसानों ने बताया कि धान की फसल गिरने और भीगने से धान की उपज में 10-15% फसल प्रभावित हो सकती है। किसानों का कहना है कि इस समय लाही सरसों की बुआई का सर्वोत्तम समय चल रहा है, लेकिन तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में तिलहनी और दलहनी फसलों की बुआई नहीं की जा सकती, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो बलरामपुर की तस्वीरें आप देखेंगे, बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी है। भारी बारिश की वजह से किसानों की लहराती फसलें जमींदोज हो गई हैं, साथ ही साथ ई की फसल जो है उस पर भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। अरे उससे हमारा धान पूरा गिर गया, गन्ना पूरा गिर गया, पानी पूरा भर गया। अच्छा, सरकार से आप क्या चाहते हैं? अरे सरकार से चाहते हैं कि कुछ सहारा दे, हम लोग कैसे जिएंगे। लखनऊ में सोमवार को 50,000 रुपए का इनामी बांग्लादेशी बदमाश हमजा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मामले में जानकारी देते हुए लखनऊ की संयुक्त पुलिस अपराध आयुक्त नीलाबाज चौधरी ने बताया कि हमजा पिछले 2 सालों में लखनऊ और वाराणसी में हुई 3 डकैतियों का मास्टरमाइंड था। हमजा का दिल्ली सहित 4 राज्यों में डकैती करने का रिकॉर्ड भी रहा है। उन्होंने बताया कि हमजा बांग्लादेश के खुलना जिले का रहने वाला था और अपने गिरोह के सदस्यों के साथ 10,000 रुपये की रिश्वत देकर भारत आया था। हमजा का नाम उसी गिरोह के 3 सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आया था, जिन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तड़के करीब 3 बजे पुलिस को गश्त के दौरान गोमती नगर के लोहिया पार्क के पास कुछ लोग बंदूक चलाते दिखे, जिन्हें पुलिस ने रोकने को कहा तो वो भागने लगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया, लेकिन हमलावरों ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया, जबकि अन्य भाग गए, जिसके बाद पुलिस घायल बदमाश को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी पहचान हमजा के रूप में हुई है। बता दें कि गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनम में हुई बारिश से प्राधिकरण के विकास की पोल खुल गई है, जहां बारिश से कलेक्ट्रेट तालाब में तब्दील हो गया है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले फरियादियों और दफ्तर आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन सभी को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट में पानी भरने से कलेक्ट्रेट की विद्युत आपूर्ति भी काट दी गई और पंप लगाकर कलेक्ट्रेट से पानी निकाला गया। जानकारी के मुताबिक निर्माण के समय कलेक्ट्रेट में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते हल्की सी बारिश से भी कलेक्ट्रेट में पानी भर जाता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।